विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही कमर कसी जा रही है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में लगातार हलचल तेज है। अगले साल के अंत में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी चुनाव होना है। गौरतलब है कि बीजेपी में कुछ दिन पहले ही जितेंद्र प्रसाद शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को छोड़ जितेंद्र प्रसाद बीजेपी के साथ आ गए। ब्राह्मण समाज में नाराजगी के बीच इसे बीजेपी का अहम कदम माना गया। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इस क्षेत्र में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जिलों में तेज बारिश हो सकती है। 16 अप्रैल से बंद ताजमहल को पूरे दो महीने के बाद आज खोल दिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में 15 जून तक ताजमहल बंद रखने के आदेश थे। आज ताजमहल खुलने के बाद सुबह से पर्यटक ताज का दीदार करने पहुंच रहे हैं। सूचना के मुताबिक एक दिन में अधिकतम 650 पर्यटकों को ही एंट्री मिलेगी। समस्तीपुर से लोजपा सांसद प्रिंस के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक संगीन मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। प्रिंस पासवान जमुई से सांसद चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं। प्रिंस के खिलाफ नई दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में एक लड़की ने शिकायत दर्ज कराई है। लड़की का आरोप है कि प्रिंस पासवान ने पानी में नशीला पदार्थ मिलाने के बाद उसके साथ रेप किया। देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन इस महामारी से होने वाली मौतों पर लगाम नहीं लग पा रही है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 62,224 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,96,33,105 पर पहुंच गई है। वहीं इस दौरान कोरोना से 2,542 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद देश में कोरोना से हुई मौतों की संख्या 3,79,573 पर पहुंच गई। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर हिंसा बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। वजह है इजरायलियों द्वारा निकाले जाने वाले यरूशलम फ्लैग मार्च। यहूदियों ने फ्लैग मार्च निकालने की घोषणा की। इसमें यहूदी नाचते गाते हाथों में इजरायली झंडा लेकर यरूशलम के डमास्कस गेट तक पहुंचे। फिर वो मुस्लिम आबादी वाले इलाके से होते हुए अल अक्सा मस्जिद की पश्चिमी दीवार तक गए। ब्रिटिश लेडीज कंपनी एस्ट्राजेनेका के बाद अब फाइजर और मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन भी सवालों के घेरे में आ गई है। अमेरिका में इन दोनों ही कंपनियों की वैक्सीन लगवाने वाले युवाओं में सीने में जलन की समस्या उभरने के कई मामले सामने आए। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों को एक डिवाइस बनाने में सफलता हासिल हुई है, जो महज 15 मिनट में ही कमरे में कोरोना संक्रमण का पता लगा लेता है। बड़े कमरे में 30 मिनट लगते हैं। कोरोना संक्रमितों की जानकारी देने वाली यह डिवाइस आने वाले समय में विमानों के कैबिन, क्लासरूम, केयर सेंटरों, घरों और ऑफिस में स्क्रीनिंग के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसका नाम कोविड अलार्म रखा गया है। मानसून देश के करीब 80% हिस्से में पहुंच चुका है। केरल में दो दिन देर से पहुंचने वाला मानसून उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में समय से एक सप्ताह पहले पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में असम, बंगाल, सभी पूर्वोत्तर राज्यों सहित कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई। महाराष्ट्र के नवी मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी भगवान पाटिल ने अपने दोनों सगे बेटों को गोली मार दी। घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और आरोपी पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। कनाडा के ऑन्टेरियो के लंदन शहर में एक मुस्लिम परिवार के पिकअप ट्रक से कुचलने वाले 20 साल के शख्स पर अब आतंकवाद से जुड़े आरोप भी लगाए गए हैं। प्रोसिक्यूशन ने यह जानकारी दी है कि आरोपी नेथेलियन वेल्डमैन के खिलाफ पहले 4 हत्याओं और एक हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अब इसमें आतंकवाद से जुड़े आरोप भी जोड़ दिए गए। इसराइल के वैकल्पिक प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री यैर लैपिड ने कहा कि नई सरकार भारत के साथ रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। नए विदेश मंत्री के इस बयान को अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारत रूस के बाद इसराइल से सबसे बड़ा रक्षा उपकरणों का खरीदार है। जिले में पर्याप्त यूरिया डीएपी के साथ सुपर फास्फेट होने के दावे के बीच मंगलवार को किसानों ने यूरिया डीएपी न मिलने से नाराज होकर मंडला मार्ग में चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही आनन फानन में कोतवाली पुलिस के साथ विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। समझाइश के बाद तुरंत यूरिया डीएपी का वितरण शुरू करा दिया गया। प्राइवेट क्षेत्र की सबसे बड़ी एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों को मंगलवार काफी परेशानी हुई। दरअसल तकनीकी समस्या के चलते बैंक की ऐप डाउन थी, इस कारण कस्टमरों के काम अटक गए। कई घंटों तक समस्या बनी रही। शिकायत मिलने के बाद बैंक ने नेट बैंकिंग इस्तेमाल करने का अनुरोध किया। हालांकि बाद में एचडीएफसी बैंक ने ट्वीट कर बताया कि समस्या को ठीक कर लिया गया। अगले साल 5 राज्यों में होने वाले चुनाव का रोड मैप तैयार करने के लिए भाजपा में बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा एक हफ्ते से ऐसी 2 बैठकें कर चुके हैं। अब भाजपा अध्यक्ष ने राज्यों की पार्टी यूनिट्स को निर्देश दिए हैं कि वे चिंतन बैठकें करें। नड्डा ने यह भी कहा कि इन चिंतन बैठकों के बाद 10 जुलाई तक चुनाव को लेकर अपनी रणनीति भी बताएं। आरोपों के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूरे विवाद पर केंद्र सरकार को अपनी
को डीजीए ट्रस्ट ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसके खिलाफ रणनीतिक साजिश की गई है, यहां कोई घोटाला नहीं हुआ है। एक्ट्रेस सनी लियोनी और उनके हस्बैंड डेनियल बेबर अपना लॉस एंजेलिस वाला घर बेचने की तैयारी में है। इसी के साथ फरहान अख्तर स्टारर फिल्म तूफान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज के लिए तैयार है। सूत्रों की माने तो मेकर्स अगले महीने इस स्पोर्ट्स ड्रामा को अमेजोन प्राइम पर रिलीज करेंगे। 16 जून को अभिनेता और निर्माता फरहान अख्तर इस बात की घोषणा अपने सोशल मीडिया पेज पर करेंगे। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पहली डेथ एनिवर्सरी पर फिल्म जगत से लेकर उनके फैंस तक सभी ने उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी। इस बीच सुशांत की पहली बर्थडे पर उनकी बहनों ने घर पर पूजा रखी, जिसकी कुछ फोटोज मीतू सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख राहुल द्रविड़ श्रीलंका दौरे के लिए कोच होंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पहले ही श्रीलंका दौरे के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा कर चुकी है। टीम की कप्तानी शिखर धवन को दी गई है, हालांकि कोई घोषणा नहीं की गई है। मौजूदा समय के बेस्ट फुटबॉलर्स में से एक माने जाने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस बार यूरो कप में कई रिकॉर्ड तोड़ और बना सकते हैं। पुर्तगाल के कप्तान के पास टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बनने का मौका है। वहीं हंगरी के खिलाफ मैदान पर उतरते ही रोनाल्डो सबसे ज्यादा यूरो कप टूर्नामेंट खेलने वाले फुटबॉलर बन जाएंगे। पुर्तगाल इस साल डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में मैदान में उतरेगी।